अच्छा जी, अज मैं लगी हाँ खाने विच तैयार करन। रोहां दी फलियां लैके आए सी अच्छा ते बू अद्धा किलो, ते आलू कैसी आलू पा के नाल ते रोहां दी फलियां ते छोरवे वालियां, हल्का हल्का छोरवा रखना कहिंदे विच। हाँ जी, ते नाल लसन प्याज ते हरी मिर्च टमाटर सारा समान मैं टोकरियां विच पा के कोल रेडी कर लिया। एक टोकरी होर मंगाउनी आ ते टोकरी मंगा के ते फिर इन्हां नूं शाम से बैठे हैं, बैठक के बैठे हैं पंखे के नीचे। मैं कहा चलो इतने बैठे बैठे सब्जी मैं तैयार कर लैनी है, फिर खाने की तैयारी करा। तो मैं जल्दी जल्दी सब्जी तैयार कर दी, तैयार करके तो फिर मैं पकाने स्टार्ट कर दी। देखो मेरे भैन भाई हो, वेखो हा मेरे हाथ जड़े ना, ये देखो इस तरह फिर सारे जिसम के मेरे खिचाओ वा सर। हाँ जी, एक दिन ब्लड लो हों की हों सारा जिसम खिंच पे। हाँ जी, सारा जिसम खिंच पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, अल्लाह तुम खुश रखे, शादोबाद रखे। इसे पहली दुआ ना आज ब्लॉग शुरू कर दिए। शुरू करने तो पहले छोटी रिक्वेस्ट कर दी, ऐसा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, जब पहले कंधा बटन जरूर प्रेस करो कि साड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन मेरे भैन भरावान तक बार वक्त पहुँचता रहे। अज की वीडियो कुछ इस तरह वा भी जो भी अज मैं खाने तैयार कर दी हूँ, मैं अपने भैन भरावान शेयर कर दी हूँ। अल्लाह पाक मेरे भैन भरावान तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, बीमारों को शिफा दे, आमीन आमीन। तो अज कुछ थोड़ी जी मेरी भी तबीयत नहीं सी ठीक हैगी, भी पता नहीं मैं कोई आयरन की कमी आ या की मसला वा, भी तबीयत जी नहीं सी बहुत दूसरा बहुत दूसरा खराब सी। तो मैं हम जरा कि पै के आराम करके उठी हूँ, तो हूँ मैं उठ के तो मैं चलो ब्लॉग अपना शुरू करा तो खाने की शाम की तैयारी करा। हम खाना तैयार करते हैं। हम मनता नहीं देखो भी मीना किस तरह पंगे लै रहा वा, जो रवावान दलियां वा दाने जड़े वो कड़ ले, मछले भी कड़ ले, तो आलू भी छिले, तो प्याज दूसरा लसन लसन भी छिलया वा, तो हरी मिर्चा टमाटर जो सारे रेडी कर को रख ले। बिस्मिल्लाह, ना कर दानिश ना तंग कर पके ना कर दान। तो हम आलू कट लें, दाने कट के रख ले, आलू छिले से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू कट लें इस तरह भी छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो अच्छा बबू कह रहे थे भी अज ना तुम लोबिया जरा आलू के पा के बेच ना थोड़े जे शोरबे वाले भी बनाओ, थोड़े रस मिस रख लियो। फिर असं अज खाने में इस तरह खाने मेरा दिल कर रहा, अज मैं ता लैके आया। मैं चलो फिर जे असं इस तरह बना लें। तो अज ना तबीयत मेरी भी काफ़ी खराब सी, तो शुक्र अल्लाह का हूँ माड़ा जहा झटके पैक उठी तो हूँ थोड़ा जहा फर्क। तो हम आलू कट दी हाँ, आलू कट के जरा फिर खाने की तैयारी कर दी हाँ। सब्जी मैं सारी तैयार कर चुकी हूँ, सब्जी रख दी पहले करके सब्जी रख के समान मैं सब सारा रख लिया। तो हम चलते हैं, तो चल के तो बालन जोड़ा ना भी कहो तो नहीं जी है ब्याह से घर के गर्भती जाया सगा उन्हें क्या सी पहाड़े के नाल भी ये टुकड़े कर दे। देखो बालन जोड़ा सारा उन्होंने टुक लिया सर, सब तो पहले बालन चक्कर रख दे। बदल फिर हूँ डाया वा, बारिश दम काम भी बनी जान डाया वा, तो बालन जोड़ा घर होगा तो खाना पके भी तैयार करेगा। चलते हैं पहले चल के बालन रख दे। बर्तन भी जड़े ना वो भी अच्छी तरह सारे वाश करके तो मंजी से मर्जी मेरे बेटी ने वो मार दते, तो बालन रख लिया। तो बाकी भी चक्के अंदर रख दें। तो हम दादा मैं खाना पकाने की तैयारी कर दी हूँ, जो कचरा वगैरह जो असं छोटा छोटा नहीं भी अग जालन वास्ते चक लें असं बहुत छोटे जरूरत। यह बरांडे वाले चूल्हे च लगी इतने बैठ के खाना तैयार कर ले। सब्जी जी है सब्जी मैं अच्छी तरह वाश कर ली, वाश करके तो फिर पकाने स्टार्ट कर। कमांडर कमांडर आ जाओ।
दादो ने बालन रखा के दादो ने बालन रखा के आओ दादो ने काम करके नहीं चक लो नहीं भी दे जाती नहीं बन कहना नहीं बनना है अच्छा जी समान में सारा रेडी कर चुकी हूँ सब्जी जी अच्छी तरह वाश करके ले आती है तो डोल घी खत्म हो गया तो घे का पैकेट हूँ पा रही हूँ अग भी चालू कर ली है देखो अग भी चालू हो गई है समान जो मैं सारा रेडी कर चुकी हूँ तो हम जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करते हैं अनाया फातिमा भी चीका मार रही है क्योंकि फुफू के कोल पई है इन्हू हम बड़ा वक्त पिया हुआ सिर्फ पीढ़ी के उत्ते खड़ा है अच्छा जी घे मैं कढ़ाई में मिक्स कर लिया तो बिस्मिल्लाह करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कढ़ाई उपर चूल्हे तो चढ़ाती है कबूतर भी देखो मंदाने के कोल घूम रहे घूम फिर रहे एंजॉय कर रहे हैं इस तरह दाने ऐसे ही आके मेरे भैन भाई इन्ना शरारती मुंडा है ये आके मेरी सब्जी सारी खराब देने लगा से ते खाना किसी शाम की खाना थी तू तो दूध पी लेने से ऐसी भी खाना थी हैं गंदा बच्चा ते अच्छी तरह घी हो जाता गर्म ते अदर प्याज लसन जड़ा लसन जड़ा मैं बरीक बरीक कट लिया सी ते कुंडी च नहीं कुटना है क्योंकि मैं बरीक बरीक कट कर लिया सी नाल ही मिक्स कर दिनी हाँ हरी मिर्च प्याज ते लसन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हल्के फ्राई हो जाते भी पते देने ढक्कन ते उन्हें जिक्र मैं हरिया मिर्चा जड़िया पांच मैं साबुत पानिया ते टमाटर कट लेनी हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं कहा बदल फिर हो चला वा तो मौसम काफ़ी फिर होया हुआ वा बारिश का तो हम जल्दी जल्दी खाना पहले तैयार कर लवा उन्हें वे कल तरह कल रात तरह असं फिर खाने लो रह जाइए इन्हें शुक्र है भी बरांडे में मैं चूल्हा बनाया हुआ एक साइड बरांडे च बारिश के बैठ के इतने खाना पका सकता वो तो प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं तो उन्हें मिक्स कर दी हरी मिर्च और टमाटर हरी मिर्च टमाटर भी मिक्स कर दिते नाल की नमक नमक मिर्च भी नाल मिक्स कर देनी हल्दी का पाउडर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रेड मिर्च का पाउडर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दो चम्मच नमक अच्छी तरह दो मिनट करूँ मसाले की बनाई करके मिक्स कर दी हूँ सब्जी। अच्छा जी मसाले की मसाला अच्छी तरह बनाई दे चुकी है मसाला रेडी हो गया क्योंकि साबुत मिर्चा जीडिया ये मैंने पसंद आ तो फिर पांच मिर्चा जीडिया मैं साबुत भी मिक्स दी सुखी सब्जी के सोनिया लगद अच्छी लग रही तो हल्का हल्का शोरबा रखूँ भी बच्चे क्योंकि जिन्ना कि पसंद आएगा आयशा के बुगे से शोरबा का बनाना ते लोबिया ते आलू अच्छी तरह वाश कर लें।
ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਭੁਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਭੁਨਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੂੰ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਣ ਦੇਖਣ, ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਰਾ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੂਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਲਿਆਵੋ। ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਠ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਡੀ, ਕੱਚਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ? ਬਹੁਤ ਪਜਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਆਏ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਉ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਕੁਟੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਉ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੱਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੋ, ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੂਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੱਠੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਉ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰੀਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਸੰਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।